नमस्कार दोस्तों, जीएम टेक इन्फॉर्मेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल हैंगआउट के बारे में। जी हाँ, ये एक सोशल एप्लीकेशन है। अगर आप गूगल हैंगआउट यूज़ करते हैं तो आपके लिए आपको इसके लिए या तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना पड़ता होगा या फिर उसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता होगा। पर आज की वीडियो में आपको एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा किसी भी बिना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए या फिर बिना किसी वेबसाइट को विजिट किए आप उसे यूज़ कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको राइट साइड में टैप मैप ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में आपको नीचे मोर टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। मोर टूल्स के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, जैसे आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा एक्सटेंशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप एक्सटेंशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपको इस प्रकार का एक पेज देखने को मिल जाएगा। इस पेज को आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाइए। इसके बाद आपको नीचे सिंगल क्लिक करना है गेट मोर एक्सटेंशन के ऑप्शन पे। इसके बाद आप क्रोम के ऑफिशियल वेब स्टोर पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल हैंगआउट, जी हाँ गूगल हैंगआउट, और एंटर कर देना है। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है गूगल हैंगआउट ऑफिस ऑफर्ड बाय google.com, क्योंकि ये ऑफिशियल गूगल का सॉफ्टवेयर है। ये गूगल के इसके लिए इसकी मदद से हम आसानी से HD क्वालिटी में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए इसकी जो डाउनलोड्स हैं वो सबसे ज़्यादा, इसकी स्टार रेटिंग भी अच्छी है और नीचे गूगल का साइन भी, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है। आप मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ, इसके फीचर्स क्या क्या है। आपको इसमें भी जो नया फीचर ऐड हुआ वो है, ये है अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसका इमोजी अपने आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसके नीचे देखिए इसकी अपडेट 13 फरवरी 2018 को अपडेट हुआ है और इसकी साइज 644 KB, यानी बहुत ही स्मॉल साइज का, 1 MB से भी लेस का है। तो आप इसे ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप इसे ऐड एक्सटेंशन देखिए, इसे परमिशन दे दीजिए और नीचे देखिए कुछ ही सेकंड्स में लगभग ये ऐड आपके गूगल क्रोम पे ऐड हो जाएगा। आपको सिंपली करना क्या, न्यू टैब ओपन कर लेना है। जैसे आप न्यू टैब ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको राइट साइड में परसेंट देखिए नीचे आ गया गूगल हैंगआउट हैज बीन एडेड योर क्रोम। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे जो क्रोम पे ऐड हो चुका है। आप इसे यहाँ से क्लोज कर लीजिए और आपको जैसे यूज़ करना है तो आप इसे सिंगल क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप इसके फीचर्स बताए गए इसे गेट स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको इसे ऑप्शंस बता देता हूँ, इसके ऑप्शंस क्या क्या है। इसमें न्यू कन्वर्सेशन का ऑप्शन है। अभी मेरे कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं है इस ईमेल आईडी पे, इसलिए मेरे कोई ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट सेव नहीं दिखा रहा। पर आप अगर इसमें सर्च करना चाहते हैं इसमें कुछ कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं, और उसमें आप न्यू ग्रुप बनाना चाहते हो न्यू ग्रुप भी बना सकते हैं, और उसमें नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा या फिर नाम के द्वारा हम किसी पर्सन को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में इसके जो अदर फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसके टैब के ऑप्शन में क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको यहाँ पे इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपकी जो लास्ट एक्टिविटी वो शो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आप इसमें डिवाइस में किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, फोन में या फिर कंप्यूटर में। इसके बाद में नोटिफिकेशन ऑप्शन है, क्या इसमें नोटिफिकेशन साउंड चालू रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। इसमें नीचे देखिए आप इसमें प्रीवियस मैसेज भी देखना चाहते नहीं है। इसमें अभी नया फीचर ऐड हुआ वो ये है कन्वर्ट टेक्स्ट टू इमोजी। आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो डायरेक्ट इमोजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे बहुत सारे फीचर्स देखते हैं। आप किसी पर्सन को ब्लॉक करना चाहते हैं उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो मैं इसे बता देता हूँ सिंपली आपको करना क्या है। जैसे आप इसमें यहाँ पे टाइप कर लीजिए और उसके बाद आप किसी का जो भी आपने पर्सन को सर्च करना चाहते हैं उसका नाम टाइप कीजिए या फिर उसका फोन नंबर टाइप कर लीजिए, उसके बाद उसे सेव कर लीजिए, उसे कॉलिंग आप डायरेक्ट उससे कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ये एक्सटेंशन है और इसकी मदद से मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे क्रॉस भी करते हैं तो आप ये किसी भी विंडो में ओपन हो जाएगा जहाँ से आपने इसे लास्ट को छोड़ा था। तो इसके लिए आपको कोई न्यू विंडो ओपन करने की जरूरत नहीं है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा। तो आप भी इस एक्सटेंशन को यूज़ कीजिए और बताइए मुझे कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।